इसका बस बेंड पाइप नहीं मिला, वरना इस पे एग्जॉस्ट भी लगा दिया होता चित भैया ने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इस एंटॉक का ब्लॉग, जिसपे काफ़ी अच्छे मॉड्स रखे हैं एक्चुअली। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बताना चाहूँगा, जो स्कूटी है हमारी वो बिलोंग करती है हमारे अर्चित भाई को, ऑल्सो नोन एज डॉग निंजा। अभी सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लें। एंड टॉकिंग अबाउट द मॉड्स ऑन दिस स्कूटी, तो काफ़ी कुछ मॉड किया हुआ है अपनी स्कूटी पर अर्चित भाई ने। जैसा आपको पता है, जो लोग जानते होंगे अर्चित भाई का, जो कुछ भी है, ट्रक है, जिप्सी है, बाइक है, कुछ भी भाई, इसमें मॉड्स की मतलब कमी नहीं रहती। इट्स लाइक लेट देम बाइक पार्ट्स कमिंग, और पार्ट्स आते ही रहते हैं बस चीज़ों के। इसका बस बेंड पाइप नहीं मिला, अगर बेंड पाइप मिल जाता है एग्जॉस्ट भी लग गया होता है उसमें। बाकी बात कर लेते हैं मॉड्स की, तो सबसे पहला मॉड जो स्कूटी पर हुआ है वो है इसका डेडपूल रैप, जो कि अभी थोड़ा सा गंदा रखा है और मैं लेके आया तो मैं भी साफ़ करना भूल गया हूँ, बट विच लुक्स प्रीटी गुड। आप देख लो हर तरफ से, थोड़ी सी मेरे को लगता है क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, बट लुक्स प्रीटी गुड ऑन दी स्कूटी। उसके बाद बात करें अगले मॉड की, तो यहाँ पे हम लगाया है वाइज़र, और ये वाइज़र है शायद FZ का, एंड विच लुक्स प्रीटी गुड। बट इस पे ये जो कार्बन रैप हुआ हुआ, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो आई गेस वो कराने से बेटर है कि ना ही कराएं। और थोड़ी सी गंदी रखी स्कूटी, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, साफ़ करना भूल गया मैं लाके स्कूटी। देन द नेक्स्ट मॉड इज़ दी विंगलेट, विच लुक्स प्रीटी गुड, यहाँ पर लगा हुआ। बाइक थोड़ी साफ़ होती तो और अच्छी लगती, एंड बाइक मतलब सॉरी स्कूटी थोड़ी और साफ़ होती तो और अच्छी लगती, एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर बात करें इसमें लगा है फ्लैश एक्स का हमारा फ्लैशर, जो कि काफ़ी अच्छा फ्लैश करता है, तो आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं। जैसे देख सकते हैं आप, ब्लिंक कर रहा है ये आगे से, एंड फ्रॉम दी बैक साइड टू। तो इसमें मोड्स हैं, तो मोड्स का मेरे को भी पता नहीं है, वो शायद लेफ्ट राइट ऐसे अगर कुछ होता है, पूरा मैनुअल था, मैनुअल मैंने पढ़ी भी नहीं है क्योंकि मैंने देखा भी नहीं जब फ्लैश इंस्टॉल हुआ था इसमें। एंड उसके बाद बात करें अगले मोड की, तो अगले मोड से इसमें HJG की मिनी ड्राइव्स, जो कि यहाँ पे लगी है ट्रिपल एंड यहाँ पे लगी है सिंगल, एंड इनका काफ़ी अच्छा मतलब वो है विजन, मतलब काफ़ी अच्छा इनकी वेवलेंथ। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मोड इज़ दी फ्रेम स्लाइडर्स, जो कि लगे हैं स्कूटी पे। एंड इस मोड इतना इतने मोड्स के बाद तो स्कूटी इतनी सेक्सी लगती है, इतनी सेक्सी लगती है मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। एंड फिर यहाँ पे लगा है हमारा लीवर गार्ड, जो कि प्रीटी गुड स्कूटी से मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कलर। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, नेक्स्ट लेवल वाइब देती है स्कूटी एंटॉक। एक तो 120cc, उसके बाद जो बाई स्कूटी की आवाज़ है ना, आए हाय भाई, दिल छू जाती है एकदम। बाकी ये थे सारे मॉड स्कूटी के, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। एंड कुछ ऐसा रिव्यू वगैरह स्कूटी का होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी एंड करते हैं ये ब्लॉग यहीं पे, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, राइट सेफ। एंड ऐसा कुछ अगर मॉड रह गया होगा मैं इसकी और वीडियो में बता दूंगा। बाकी सारे जो मॉड थे फिर से आपको बता देता हूँ, हमारी HJG की मिनी ड्राइव्स लाइट, यहाँ पर ट्रिपल, वहाँ पर सिंगल, देन दी फ्रेम स्लाइडर्स, विंगलेट, रैप, लीवर गार्ड्स, एंड फ्लैश एक्स का हमारा फ्लैशर, एंड दिस दी विंगलेट। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ स्कूटी मॉड नहीं हुआ है, वही मैं जैसे बताया आपको, इसका बस बेंड पाइप नहीं मिला, वरना इस पर एग्जॉस्ट भी लगा दिया होता चित भैया ने। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लॉग, मी करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप भी एंड टॉप करना चाहते हो सारे मॉड्स कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दी वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी या, राइट सेव, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी या।